सांघी टेंपल हैदराबाद से 35 किलोमीटर दूर सांघी नगर में है। यह एक पहाड़ी पर स्थित है जिसे परमानंद गिरी कहा जाता है। सांघी टेंपल के ईष्ट देवता भगवान वेंकटेश्वर हैं। उनकी ऊंचाई गर्भगृह के अंदर 9 फीट है। इस टेंपल में आपको जब भी आना है तो बेटर है कि आप मॉर्निंग टाइम में आओ। मॉर्निंग टाइम में आपको ज़्यादा क्राउड नहीं मिलेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ आके। तो आइए जानते हैं सांघी टेंपल के बारे में, क्यों ये टेंपल इतना फेमस है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। नॉट टुडे आई एम इन सांघी टेंपल और ये लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है और बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंदिर को बनाया हुआ है। हैदराबाद मेन सिटी से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये मंदिर है। अगर इस मंदिर में आना हो तो बेटर है कि आप मॉर्निंग टाइम में आओ ताकि रश और क्राउड से आप बचे रहोगे और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा मॉर्निंग में आने पे। और ये हिल्स से बना हुआ ये टेंपल है, बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर को बनाया हुआ है। सो अंदर चल के मंदिर में चलते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। इस टेंपल को बहुत बड़े एरिया में बनाया हुआ है जो कि नीचे से देखकर ही आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने बड़े एरिया में इस टेंपल को बनाया हुआ है। ये इसका एंट्री गेट है जो हमें अंदर की तरफ जाना है और सामने जो ये दिख रहा है ये इसका वेलकम गेट है जो कि वेलकम गेट भी काफ़ी बड़ा है और ऊपर जो दिख रहा है ये वही टेंपल है जहाँ पर हमें जाना है। सो बहुत सारे लोग हैं जो पार्किंग है नीचे पार्क कर देते हैं गाड़ी को, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ऊपर जाके पार्क करते हैं। अगर आपको ऊपर जाके गाड़ी को पार्क करना है तो आपको सीढ़ी से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट टेंपल के अंदर जा सकते हो। पर बहुत से लोग होते हैं जो अपनी श्रद्धा से सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाते हैं क्योंकि जो सीढ़ियों की हाइट है वो थोड़ा सा ज्यादा है तो वो लोग नीचे गाड़ी को पार्क कर देते हैं। सांघी मंदिर हैदराबाद के सांघी नगर में स्थित है। एक चोल चालुक्य शैली का मंदिर है। यह मंदिर 1991 में बनाया गया था। इस मंदिर को बनने में पूरे 18 महीने लगे थे। मंदिर परिसर परम आनंद गिरी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है जिसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। मंदिर का विकास रख रखाव दक्षिण भारत के प्रमुख औद्योगिक समूह सांघी ग्रुप द्वारा किया गया। सांघी मंदिर एक लोकप्रिय पर्यटक और आकर्षण है जो कि हैदराबाद शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यह सब एक सपने से शुरू हुआ था, वो सपना जो कि सांघी परिवार ने देखा था। स्वर्गीय श्री राम शरण सांघी के मार्गदर्शन में श्री रवि सांघी ने भक्तिपूर्ण और उन्होंने संकल्प लिया कि वो सांघी में एक विशाल मंदिर का निर्माण कराएंगे और उन्होंने अपने देखरेख में एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया जिसमें उनकी पत्नी श्रीमती अनिता सांघी ने उनका पूरा साथ दिया। इस मंदिर में अगर आप घूमने या दर्शन करने के लिए आते हो तो आपको मेन सिटी से अराउंड 1 आवर लग जाएगा और मॉर्निंग के टाइम में आने पे आपको जो रोड पे आपको रश मिलता है आपको रश नहीं मिलेगा और यहाँ पे पार्किंग का भी एक अच्छा स्पेस मिल जाएगा और बहुत ही शांति यहाँ पर फील होगा आपको। इस टेंपल में अगर आप भगवान का दर्शन करने के लिए आते हो तो आप कभी भी आ सकते हो बिकॉज ये ऑल डेज ओपन रहता है और यहाँ पे मॉर्निंग में आप 8 AM टू 1 PM के बीच में आ सकते हो, इवनिंग के टाइम में 4 PM टू 8 PM के बीच में आ सकते हो। और ये टेंपल जो है वो एवरी डे मॉर्निंग में 5 o'clock ओपन होता है 1 आवर के लिए, 1 आवर सुप्रभातम के लिए। जो यहाँ के आचार्य होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं और जो वो लोग फॉलो करते हैं वो मॉर्निंग में 6 o'clock टू 8 o'clock के लिए होता है और इवनिंग के टाइम में यहाँ पे पूजा होता है जो कि 6 PM टू 8 PM के बीच में होता है। बाकी जो जनरल पब्लिक के लिए दर्शन अगर वो लोग करने के लिए आते हैं तो जो नॉर्मल मैंने आपको टाइमिंग बताया है उस टाइमिंग में आके दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में आप जब भी दर्शन के लिए अगर आते हो तो इवनिंग के टाइम में यह मंदिर बहुत ही सुंदर दिखता है क्योंकि यहाँ पर इसको बहुत ही सुंदर लाइटिंग के साथ में डेकोरेट किया जाता है और जो कि बहुत ही शानदार लगता है देखने में। इस मंदिर में अगर दर्शन के लिए आते हो तो आप शिवरात्रि, श्री राम नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी और दशहरा, हनुमान जयंती जैसे त्योहारों पर अगर आप आते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि इस मंदिर में बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है।
टेम्पल में जब भी आप दर्शन के लिए आते हो तो आप मंकी से थोड़ा सा बच के रहो, क्योंकि अगर आपके पास खाने पीने का कोई भी सामान है तो ये लोग डायरेक्ट अटैक करते हैं। और सामने जो बाइक्स दिख रहे हैं, इन बाइक में सबके पॉकेट्स ओपन हैं, तो ये सारे पॉकेट्स मंकीज ने ओपन किया है। प्रसिद्ध सांगी मंदिर के इष्ट देवता भगवान वेंकटेश्वर हैं। भगवान वेंकटेश्वर का गर्भगृह के अंदर 9 फीट ऊंची इनकी मूर्ति बनी हुई है। कहा जाता है कि यह तिरुमाला मंदिर के समान ही है। भगवान वेंकटेश्वर भगवान विष्णु के अवतारों में से एक है और मंदिर परिसर के अंदर अन्य देवी देवताओं की भी मंदिर है, जैसे दुर्गा माता, हनुमान जी, इन सभी लोगों के भी मंदिर बने हैं। और ये है मंदिर का प्रसादम, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। बड़ा सा लड्डू है ये। जब भी आप यहाँ घूमने के लिए आएं तो आप रामूजी फिल्म सिटी भी जा सकते हैं, क्योंकि रामूजी फिल्म सिटी यहाँ से बिल्कुल ही नियर बाई है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये रोड है जो कि रामूजी फिल्म सिटी की तरफ जाता है, और रामूजी फिल्म सिटी यहाँ से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यह मंदिर अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। लाखों लोग इसे देखने के लिए आते हैं, खासकर शुभ दिनों पर, जैसे नए साल की पूर्व संध्या पर। यहाँ पर भीड़ लाखों में होती है और यह मंदिर आस्था का एक प्रतीक बन गया है। अच्छा रहा, यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मंदिर को बनाया हुआ है, और यहाँ पे आप वीकडेज में कभी भी आ सकते हो, और आप फैमिली के साथ में, फ्रेंड के साथ में कभी भी आ सकते हो। और सिटी से थोड़ा दूर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा लगेगा, बहुत ही शांति फील होगा। तो और यहाँ पे भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर जो बना हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया हुआ है। तो और यहाँ से रामोजी फिल्म सिटी अगर जाना हो तो वो नियर बाई है, यहाँ से 3.5 किलोमीटर के अराउंड का डिस्टेंस है। तो अगर आप उधर जाना चाहते हो तो यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से थोड़ा नियर बाई पड़ेगा। तो सब कुछ काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पे। और गाइस, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। एंड आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।